इनकाउंटर में घायल सिपाही अजय कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपकी हमने बात भी सुनी थी सुबह, आपने जब हमें ये बताया कि किस तरीके से उस रात को पूरे के पूरे पुलिस महकमे पे जो वहां पर दबिश डालने गया था उस पर लगातार लगभग 20 से 22 राउंड आपने फायरिंग का बताया, क्या कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आपकी तैयारियों में या फिर पुलिस बल ने इस बात की आशंका भी नहीं की थी कि इस तरीके से वहां पर फायरिंग होगी, कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी? तैयारी में तो मतलब लेकिन फिर भी पुलिस को इतनी आशंका नहीं थी कि इतना हो सकता है कुछ, इतनी उनकी प्री प्लानिंग पहले से थी, बहुत जबरदस्त वाली प्लानिंग थी उनकी। तो हम तो जैसे नॉर्मल टाइम से जी सर, क्योंकि हमें इतनी जानकारी, क्योंकि हम उसको दूर उस थाने के नहीं है जिस थाने का जो क्षेत्र था, हम बिठूर थाने के हैं जो कि हमारे बिठूर थाने से 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है वो टिकरू गाँव कृष्णम गए थे, तो हमें उस गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही हमें विकास दुबे के बारे में कोई जानकारी थी। एक ऐसा आदमी सबने ये सुना था, सब ने बताया था विकास दुबे के यहाँ जा रहे हैं, सभी सैनिक उसके यहाँ बुलाया गया है, तो हम आ गए फिर हम वहाँ पे, फिर फायरिंग चालू स्टार्ट हो गई, फायरिंग बहुत दूर तक चलती रही वहाँ पर, बाद में फिर हम सब नहीं पहनते थे तो हम तो बड़ी मुश्किल से रोज पर फायरिंग करते हुए, लेकिन हमारे फायर में बिल्कुल काम नहीं करते थे क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, पूरे गाँव की लाइट जा रखी थी और ये भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि फायर आ कहाँ से, अगर हम फायर कर भी देते तो हमारे फायर ना पहनने वो रोते सारे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।